सुबह जब आप ऑफिस जाने के लिए उठते हैं तो आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं और तंग आ जाते हैं। बिना कुछ किए घंटों ट्रैफिक में बैठना बहुत कष्टप्रद होता है। यह सिर्फ आपके समय की बर्बादी है। बेंगलुरु में दुनिया का सबसे खराब ट्रैफिक है। यहाँ कई आईटी फर्म भी है लेकिन ट्रैफिक से लोग परेशान रहते हैं। एक दो घंटे तक ट्रैफिक जाम लगा रहता है। हम में से अधिकांश लोग सोचते हैं कि यह बेहतर होता यदि हम काम पर आने जाने के लिए बस उड़ान भरते। यह बेंगलुरु में एक वास्तविकता बन गया है। आश्चर्यजनक ब्लेड इंडिया नामक एक कंपनी ने घोषणा की कि कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हवाई अड्डे के बीच हेलीकॉप्टर उड़ान शुरू की जाएगी। यह महज 12 मिनट का सफर होगा। कल्पना कीजिए, 2 घंटे की यात्रा 12 मिनट की हेलीकॉप्टर की सवारी में बदल जाएगी। सड़क मार्ग से जाने की लागत 1300 रुपए से अधिक है। हेलीकॉप्टर यात्रा तेज होगी और बहुत समय बचाएगी। ब्लेड इंडिया के प्रबंधन निदेशक अमित दत्ता ने कहा, सेवा 10 अक्टूबर 2022 से चालू हो जाएगी। हम सबसे अच्छी और संतोषजनक सेवा प्रदान करेंगे। ब्लेड इंडिया की वेबसाइट पर बुकिंग शुरू हो गई है। इन उड़ानों को किसी भी अन्य उड़ान की तरह ही बुक किया जा सकता है। अतिरिक्त करों के साथ शुरुआती लागत 3,250 रुपए होगी। हेलीकॉप्टर की उड़ान कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बेंगलुरु से सुबह 9 बजे शुरू होगी और वापसी की उड़ान HAL से शाम 4:15 बजे शुरू होगी। यह 5 सीटों वाला हेलीकॉप्टर होगा। HAL, इंदिरा नगर और अन्य IT पार्कों जैसे लोकप्रिय स्थानों के करीब है। लोग सुबह की हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकते हैं, अपना काम पूरा करके वापस लौट सकते हैं। ट्रैफिक की परेशानी के बिना यात्रा कितनी सुविधाजनक होगी। नवंबर 2019 में कंपनी ने मुंबई, पुणे और शिरडी के बीच महाराष्ट्र में अपनी पहली उड़ान शुरू की थी। बाद में उन्होंने कर्नाटक में कूर्ग, हम्पी और काबिनी के लिए हेलीकॉप्टर उड़ाने शुरू करके अपनी सेवाओं का विस्तार किया। अद्भुत कंपनी लोगों के लिए यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए बेंगलुरु में ऐसी और उड़ानें शुरू करना चाहती है। बहुत खूब, कितना अनोखा है।